नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक। गुरुवार को की शाम को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हवाई अड्डे पर दो जोरदार धमाके हुए, उसके बाद गोलियां चली और इस पूरे मामले में अभी तक की खबरों के अनुसार 13 लोग मारे जा चुके हैं और 60 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। मारे गए लोगों में और घायल हुए लोगों में अमरीकी सैनिक भी हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके साधारण सैनिक हैं और जो आम अफगान जनता है वो तो है ही। सवाल ये उठता है कि ये कैसे हुआ और ये किसने किया, कौन है इसके पीछे। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ और कैसे हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों का ये कहना है कि शाम को जो काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके बाहर जो उसका गेट है, एबे गेट कहते हैं, एबे गेट के पास एक जोरदार धमाका हुआ। एबे गेट के पास अमरीकी और ब्रिटिश सैनिकों का जमावड़ा था। वो पूरा काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है और जो एबे गेट है वो है जगह है जहां बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक थे और ब्रिटिश सैनिक थे। वो काबुल से लोगों को, जिनमें अफगान ज़्यादा शामिल हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और उसमें जो औपचारिकताएं होती हैं, पेपर चेक करना, वीज़ा चेक करना और पासपोर्ट वगैरह देखना, तस्वीरें वगैरह मिलाना, जो औपचारिकताएं हैं वो कर रहे थे और इसके लिए उनकी बड़ी संख्या में उनकी मौजूदगी थी। तो पहला विस्फोट यहाँ हुआ, उसके थोड़ी देर बाद उससे सटा हुआ एक होटल है, होटल बैरन। दूसरा विस्फोट होटल बैरन के दरवाजे पर हुआ, दोनों आसपास ही, बहुत दूर नहीं है। और उसके बाद बीबीसी का यह भी कहना है कि उसके बाद गोलीबारी हुई और वो धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ लाशें झटके में पास में बहने वाले कनाल में जाके गिरी। वो बहुत ही भयावह दृश्य, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है या मैं आपके सामने उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, नहीं करना चाहिए मुझे। तो बहुत ही जोरदार धमाका था, 60 लोग आसपास के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराए जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका के, पहली बात तो यह कह दूं कि अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी है। जो अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन है उसके स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने ट्वीट किया और किर्बी ने ट्वीट करके ये कहा है कि हाँ, ये विस्फोट हुआ है, दो विस्फोट हुए हैं, गोलीबारी हुई है, 13 लोग मारे गए हैं, 60 घायल हुए हैं, जिसमें अमेरिकी सैनिक भी है, अमेरिकी फौजी भी है। ये इसकी पुष्टि हो चुकी है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर इस पर हम सोचते हैं, जब थोड़ा हमें वेट करके देखना पड़ेगा मामला क्या है। तो एक अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ हैं, जेसन, मार्क जेसन, ये इसके पहले अमेरिका की ओर से अफगानिस्तान में तैनाती इनकी हो चुकी है और वो अफगानिस्तान को अच्छी तरह जानते हैं। तो कर्नल जेसन ने कहा कि ये तो होना ही था, क्योंकि उनका कहना है कि ये काम बहुत आश्चर्य वाला नहीं है, बहुत अचरज में डालने वाला नहीं है। काबुल एयरपोर्ट, काबुल का पूरा इलाका टारगेट पर था और इसके पीछे हो सकता है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान इसके पीछे हो। मैं यहाँ एक बात आपको और बताऊं कि गुरुवार को ही सुबह पेंटागन ने एक एडवाइजरी जारी किया था, एक नोटिस जारी की थी और अफगानिस्तान के वो काबुल स्थित यूएस एम्बेसी दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें अमेरिकी नागरिकों से कहा गया था कि वो हवाई अड्डे पर न आए, क्योंकि हवाई अड्डे पर टेरर अटैक हो सकता है और संभव है कि अलकायदा या इस्लामिक स्टेट टेरर अटैक करे। अमेरिकी एडवाइजरी में इस्लामिक स्टेट का नाम लिया गया है और कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट काबुल हवाई अड्डे पर हमला कर सकता है, इसलिए अमेरिकी नागरिक वहां से दूर रहें और वो हवाई अड्डे पर अभी ना आए। तो मामला यह है कि क्या इस्लामिक स्टेट इसके पीछे है, उसमें थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि वहां कौन कौन फैक्टर हो सकते हैं। वहां तीन संगठनों पर लोगों का संदेह है। एक तो इस्लामिक स्टेट खुरासान है। इस्लामिक स्टेट खुरासान इस्लामिक स्टेट की वह शाखा है जो अफगानिस्तान में, जिसकी मौजूदगी है, जो सक्रिय है और वो, उसका दावा है कि वो वहां भी इस्लामिक स्टेट का की स्थापना करना चाहती है और वहां भी वो सक्रिय है। दूसरा प्लेयर हो सकता है अलकायदा।
अलकायदा वो संगठन है जिसने 9/11 का कांड किया था, जो अमेरिका के 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर पर अटैक किया था। उसके सबसे बड़े नेता ओसामा बिन लादेन थे, पता ही आपको, जिसके बाद की फिर अमेरिकी सेना ओसामा बिन लादेन को ढूंढते हुए अफगानिस्तान पहुंची, पाकिस्तान पहुंची, फिर जो हुआ आपको पता है। और तीसरा फैक्टर उसमें हो सकता है तालिबान का। लोगों को यह भी अंदेशा है कि तालिबान में जो दो गुट है, जो एक दूसरा गुट है जो असंतुष्ट है, जो सत्ता में बड़ी भागीदारी चाहता है लेकिन साइडलाइंड है, वो भी इसमें हो सकता है। अब तीनों पर हम एक एक करके विचार कर सकते हैं कि कौन हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं तालिबान की। तालिबान सत्ता में है, तालिबान के पास नियंत्रण है, तालिबान के लड़ाके बिल्कुल काबुल के चप्पे चप्पे पर तैनात है। अगला राष्ट्रपति मुल्ला बरादर हो या कोई और हो, तालिबान का होगा। तालिबान की सरकार है, तालिबान ने आज ही 3 मंत्रियों की नियुक्ति की है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन है। और भले ही एक सुगठित सरकार ना हो, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान की जो सरकार होगी, जो उसका भविष्य होगा, जो नियंत्रण होगा, वो तालिबान के हाथों में होगा। तो तालिबान के अटैक करने की संभावना नहीं के बराबर है। अब जो तालिबान का जो असंतुष्ट गुट है उसकी ओर संदेह जाता है, वो भी अटैक इसलिए नहीं करेगा कि वो कहीं है ही नहीं। पूरा नियंत्रण तालिबान लड़ाकों के हाथ में है, पूरा नियंत्रण मुल्ला बरादर और जो अनस हक्कानी है, सिराजुद्दीन हक्कानी है, उन लोगों के हाथ में है। तो कोई अपोजिशन, जो तालिबान के अंदर में कोई अपोजिशन हो, वो भले ही कहीं बहुत ही गोपनीय स्तर पर मन ही मन हो, लेकिन वो सक्रिय नहीं हो, वो इतना सक्रिय नहीं हो सकता कि इतना बड़ा धमाका कर दे। अब बात आती है अलकायदा। जहां तक अलकायदा की बात है, तो जो 9/11 हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमरीकी सेना पहुंची और उसके बाद जो वहां लड़ाई चली, तो उसमें अलकायदा का मोटे तौर पर सफाया हो गया। वैसे भी ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल जवाहिरी उसके प्रमुख बने थे, समझा जाता है कि अल जवाहिरी की भी मौत हो चुकी है। तो आज के डेट में अलकायदा सक्रिय है ये नहीं कहा जा सकता है। अगर अलकायदा कहीं हो छोटे पॉकेट में तो अलग बात है, लेकिन अलकायदा के पास में ये क्षमता नहीं होगी कि एक हाई सिक्योरिटी जोन में इतना बड़ा धमाका कर ले जाए। अब नाम आता है इस्लामिक स्टेट का। इस्लामिक स्टेट खुरासान के बारे में एक बात मैं आपको ये कहूँ कि इसके एक दिन पहले यानी बुधवार को इस्लामिक स्टेट ने तालिबान की बहुत ही तीखी आलोचना की और ये कहा कि आप बिक चुके हैं, आप अमेरिका के पिट्ठू हैं, आप अमेरिका के दलाल हैं और आप इस्लामिक स्टेट यहाँ पर कायम करना नहीं चाहते हैं, जिसे कहते हैं कि सरिया कानून आप नहीं चाहते हैं, आप तो पश्चिमी सभ्यता वाले हैं, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा जो इस्लामिक स्टेट का जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन है, प्लस उनकी अपनी एक पत्रिका है, तो उस डिजिटल पत्रिका पर, ऑनलाइन पर, उनका जो अपना सोशल मीडिया है, उस पर बहुत ही तीखी आलोचना हुई तालिबान की। बिका हुआ, अमेरिका का दलाल, वेस्टर्न वैल्यूज में मानने वाला, वगैरह वगैरह, जितनी भी गालियाँ हो सकती हैं उस सेक्टर में, उस समाज में उनको दी गई और ये कहा गया कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, इस्लामिक स्टेट ने यह भी कहा था कि इस्लामी राज की स्थापना तो वही करेंगे और इसके लिए वो सक्रिय रहेंगे। मतलब साफ है, इस्लामिक स्टेट ने साफ धमकी दी थी कि वो तालिबान को स्वीकार नहीं करते हैं, वो तालिबान के इस्लाम से, तालिबान के मॉडल से असंतुष्ट हैं और वो हमला करेंगे। और जब अमेरिकी प्रशासन ने जब कहा था कि लोगों को आगाह किया था, या जब काबुल के अमेरिकी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी, उसमें भी अलकायदा के बारे में कहा गया था कि अलकायदा का अटैक हो सकता है। अब देखना यह है कि अलकायदा क्या उस लायक है, तो उसमें विशेषज्ञों का कहना है, पर्यवेक्षकों का कहना है कि अलकायदा में क्षमता है। जो अलकायदा खुरासान है वो संगठित है, स्ट्रांग है, उसके पास फंडिंग है, उसके पास हथियार है, उसके पास कमिटेड फाइटर्स हैं, कमिटेड लड़ाके हैं, वो एक बहुत ही सुगठित, ऑर्गेनाइज, वेल फंडेड, से कहते वेल ऑयल्ड मैकेनिकल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यह क्षमता है। इसके बाद टारगेट पर आप ध्यान दीजिए, जो लोग मारे गए हैं उनमें ज्यादातर कौन थे, ज्यादातर अफगान नागरिक थे जो निहत्थे थे, लेकिन उसमें अमेरिकी सैनिक थे, उसमें अमेरिकी अफसर थे। और पहला धमाका वहां हुआ जहां अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों के होने की संभावना सबसे ज्यादा थी, यानी इस टारगेट को, टारगेट में, इस अटैक में टारगेट अमेरिकी थे और अमेरिकी टारगेट पर अटैक करने की नीति इस्लामिक स्टेट की है, जो वो कई बार खुलेआम कह चुके हैं। और दो दिन पहले जब इस्लामिक स्टेट ने तालिबान की आलोचना की, अमेरिका का पिट्ठू बताया, तो यह भी कहा था कि हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, हम करेंगे, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे।
तो बात बढ़ती है, संकेत जाता है इस्लामिक स्टेट खुरासान को। यहां मैं एक मिनट आपको और चीजें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिकंस्ट्रक्ट करूंगा और बताऊंगा कि तालिबान इस्लामिक स्टेट और ये अलकायदा तीनों में क्या अंतर है। तालिबान इस्लामिक स्टेट और अलकायदा ये तीनों ही इस्लामी राज्य की स्थापना की बात करते हैं, ये तीनों ही शरिया पर चलने की बात करते हैं, ये तीनों ही जो इस्लाम की कट्टर व्याख्या है बहावी स्कूल ऑफ इस्लाम है उसे मानने वाले हैं, ये तीनों ही इस्लाम की वो व्याख्या करते हैं जिसे आम इस्लाम जगत स्वीकार नहीं करता है, खारिज कर चुका है। लेकिन इनके बीच इस कॉमन प्लेटफॉर्म के अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट में डिफरेंस बहुत ही साफ है, वो ये है, तालिबान में भी डिफरेंस बहुत ही साफ है, वो ऐसे है कि जब ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान पहुंच तो गया लेकिन अलकायदा और तालिबान में वैचारिक मतभेद थे और तालिबान यह नहीं चाहता था कि अलकायदा के फाइटर्स वहां जाएं। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन पहुंच गया और अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने को कहा तो जो तालिबान ने जो इनकार किया इसके पीछे जो लॉजिक दिया वो बहुत बिजार है, अजीब है। वो ये है कि तालिबान के जो प्रमुख थे मुल्ला उमर, उन्होंने कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं, मैं एक ऐसे शख्स के रूप में इतिहास में याद किया जाना पसंद नहीं करूंगा जो अपने शरण में आए हुए एक मुसलमान को किसी के हवाले कर दे, अनकोट। ये थे मुल्ला उमर के शब्द। लेकिन अर्थात ये है कि मुल्ला उमर सैद्धांतिक कारणों से अलकायदा के साथ नहीं थे, वो इसलिए थे कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका का विरोधी था और वो अपने आप को अमेरिका समर्थक दिखना नहीं चाहते थे। लेकिन जो दोनों के बीच शरिया कानून और इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वो अलग है और इसमें इस्लामिक स्टेट ज्यादा घातक है, ज्यादा कट्टर है, ज्यादा खतरनाक है। तो तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच के अंतर को हम देख रहे हैं। अलकायदा और तालिबान के बीच के अंतर को हम देख रहे हैं। जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। इस्लामिक स्टेट की जो अपनी इस्लाम की व्याख्या है वो ज्यादा कठिन है, ज्यादा क्रूर है और उसमें वो उन मुसलमानों को भी माफ नहीं करने की स्थिति में है जो उनके हिसाब से इस्लाम के सच्चे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। ये एक बड़ा अंतर यह है कि इस्लामिक स्टेट के टारगेट पर वो मुसलमान भी हैं जो उनके इस्लाम के इंटरप्रिटेशन से पूरी तरह सहमत नहीं है। ये एक बड़ा डिफरेंस है और इसीलिए सीरिया में वो सक्रिय थे, इसीलिए वो दूसरे जगहों पर सक्रिय थे और अफगानिस्तान या पाकिस्तान पहुंचने के पहले उन्होंने मिडिल ईस्ट में, उन्होंने सीरिया में, उन्होंने इराक में बहुत बड़े पैमाने पर विध्वंस किया और हजारों लोगों को मारा और उनके भी हजारों लड़ाके मारे गए। उनका वो इस्लाम का इंटरप्रिटेशन बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही अलग है, बहुत ही कट्टर है। तो तालिबान इस्लामिक स्टेट और अलकायदा इस्लामिक स्टेट, इस्लामी राज्य शरीयत की बात करने के बावजूद, अमेरिका विरोधी होने के बावजूद उनके आपस में ढेर सारे डिफरेंसेज हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि वो तीनों इंटरट्विंड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर हैं, एचआर मैकमास्टर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, आप देखते जाइए, अभी तो इस तरह के हमले और होंगे। और उन्होंने कहा कि इन तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच आप अंतर मत समझिए, वो तीनों एक दूसरे से गुथे हुए इंटरट्विंड है, इसलिए आप किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते। ये कहना है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है एचआर मैकमास्टर, जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिनों में सुरक्षा सलाहकार थे। तो चीजें बहुत साफ नहीं है, अलकायदा नहीं किया है ये कहना भी जल्दबाजी ही होगी, लेकिन अलकायदा खुरासान के ऊपर संदेह सबसे ज्यादा है। और अब जब अमरीकी विशेषज्ञ इसकी छानबीन करेंगे, इस पर शोध करेंगे, इसका पता लगाएंगे, तो एक दिन में आप देखेंगे कि शायद इसी का नाम सामने आए। तब तक आप देखते रहिए satyahindi.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और डाउनलोड करें हमारे सत्य हिंदी ऐप को जो फ्री है और इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। तो देखते रहिए satyahindi.com।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।